कलाकार है उसको नहीं पता, उसको कोई बताएगा तो न पता चलेगा, जब हम बताएंगे उसको तब पता चलेगा कि असली तो साधु यादव है। लालू यादव और साधु यादव ही असली हैं, बाकी जितना घूम रहा है सब नकली हैं। असली को असली दर्द होता है, नकली को नकली दर्द होता है। ये सब लुटेरा ग्रुप शामिल हो गए। हम 12 साल से आउट हैं, हम अपनी पार्टी से अपना अलग चुनाव लड़ते हैं। हम कभी भीख मांगने नहीं गए, पहले भी नहीं गए, आज भी नहीं गए और आगे भी नहीं जाएंगे। हम अपने दम पर लड़ेंगे, हार जीत तो होती रहती है, ये तो समीकरण की चीज है। अगर बनी तो हमारी सरकार होगी, हम MP और MLA होंगे, लेकिन हमारा जो विचार है उससे हम समझौता नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। पार्टी के प्रवक्ताओं का कोई वजूद नहीं, पार्टी को हम ही सींचे हैं, वो हमारे ही पार्टी के प्रवक्ता हैं। ना उसको बाद में समझ आएगा कि वो कहां किसको बोल रहे हैं। परिवार में हाथ डालने का किसी को भी अधिकार नहीं, लोग डाल रहे हैं, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पहले वो अपने भाई से पूछ ले वो मामा है या नहीं। हम तुम्हारे मामा हैं, भले कंस कह लो, लेकिन वो तुम्हारे बच्चों का मामा है या नहीं तुम खुद पूछ लो। और अगर मामा शब्द कंस है तो वो भी कंस है, हमारे जैसा ही, तो सोच लो क्या बोल रहे हो। सुधरो मेरी राह है, नहीं सुधरे तो जिंदगी पर पछताओगे, फिर गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे, ये भी चली जाएगी, समाप्त हो जाएगा सब, फिर कुछ नहीं बचेगा, यही मेरी राय है। मेरा कुल खानदान ये गवाही नहीं देता, मैं अपने संस्कार को नहीं बेच सकता। अपने दरोगा बाबू के पुत्र के साथ शादी की और शादी के बाद आप कौन रामलीला किए, आप रामलीला मंडली बना रहे हैं, घर में इसी से वंशावली चलेगा, कुल खानदान का नाम रोशन होगा, बेटी से नहीं होता, बेटे से होता है, और समझिए क्या बोल रहे हैं। ये राह है मेरी, सुधर जाइए, सब आदमी अगर नहीं सुधरेंगे तो पछताओगे। अब देखिए सवाल है कि उसको नहीं पता है ना, वो कलाकार है, उसको बताएगा तब ना पता चलेगा, वो जब हम बताएंगे तब उसको पता चलेगा कि अरे अरे असली तो साधु जादू है। उसको नहीं पता है कि असली कौन है और नकली कौन है। जब दो असली एक साथ है जुटेगा तब ना उसको पता चलेगा, लालू जादू असली हैं, साधु जादू असली हैं, बाकी जितना घूम रहा है सब नकली है, आप समझ लीजिए। अब इससे क्या ज़्यादा आप बताएं हम आपसे, असली को दर्द होता है, नकली को दर्द होता है। ये सब लुटेरा गिरोह शामिल हो गया है। हम 12 साल से आउट हैं, हम अपना पार्टी अपने अलग हम चुनाव लड़ते हैं, हम कभी भीख मांगने नहीं गए हैं, पहले भी ना भीख मांगा है, ना आज मांगेंगे, ना आगे मांगेंगे, हम अपने दम खम के लोग हैं, हम लड़ेंगे, हार जीत होती है, समीकरण का चीज होता है। समीकरण होगा तो हमारी सरकार बन जाएगी, समीकरण नहीं होगा तो हमारी सरकार नहीं बनेगी, समीकरण होगा तो हम MLA बन जाएंगे, MP बन जाएंगे, लेकिन हमारा विचार है, हम विचार से समझौता नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं करेंगे समझौता। पार्टी के प्रवक्ता का देखिए कोई अजूद नहीं है जी, पटिया हम ही न सींचे हैं, हमारे पटिया के प्रवक्ता है ना, उसको समझदारी हो जाएगा, बाद में समझेगा, जो बोल रहा है वो खुद समझेगा कि हम कहाँ हाथ डाल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। परिवार में हाथ डालने का किसी को अधिकार नहीं है, और जो लोग डाल रहे हैं वो अपनी पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, समझ में आ जाएगा। कहे कि वो अपने भाई से पूछ ले कि तुम्हारा भाई मामा है या नहीं है, अपने भाई तेजस्वी से पूछ ले, तेज से पूछ ले कि मामा है कि नहीं है। हम तुम्हारा मामा हैं कंस कह लो, लेकिन वो तुम्हारे बच्चों का मामा है कि नहीं है तुम खुद पूछ लो। अगर मामा शब्द कंस है तो वो भी कंस है हमारे ही लिए, हमारा ही जैसा, सोच लो तुम क्या बोल रही हो। तो ठीक बा, जब वो बोला है तो हम तो बता ही दिया, सब कुछ तो बता ही दिया कि सुधरो, सुधर जाओ, मेरी राय है, नहीं सुधरोगे तो जिंदगी भर पछताओगे, फिर गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे, ये भी चली जाएगी, ये भी चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी, फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, यही मेरा राय है। अब दो महिलाओं के कल चर्चा की है, हाँ किया है, बिल्कुल किया है, हमारा कुल खानदानी गवाही नहीं देता है, मैं अपने संस्कार को नहीं बेच सकता हूँ, ये बात सत्य है। आपने दरोगा बाबू की पोती के साथ शादी किया और शादी के बाद आपने कौन रासलीला किया, क्या रामलीला किया,
आप रामलीला मंडली बना रहे हैं घर में, सुधरिए अच्छा रहेगा, इसी से कुल बंसावली चलेगा, कुल खानदान का नाम रोशन होगा। बेटी से नहीं होता है, बेटा से होता है, समझिए हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए मेरा राय है सुधर जाइए सब आदमी, नहीं सुधरिएगा तो पछताइएगा सब आदमी, जाइए। थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।